हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय। सो आज की वीडियो का जो एजेंडा है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत वाइटली यूज होने वाला टॉपिक है। यहाँ वाइटली का मेरा कहने का मतलब है कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ फ्रेशर। ऑल दो जितने भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं हमारे, जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हमारी ऑडियंस हैं, या जितने भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, उन्हें सबको ये पता है कि लिंक्डइन 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 बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ का होने में बहुत चीज़ें हैं इसके पीछे भी। तो लिंक्डइन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि लिंक्डइन से पहले क्यों मैं लिंक्डइन के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक लिया बना दिया, उसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है, क्या मैंने चीज़ें देखी कुछ लास्ट 7 to 10 days में इंटरेक्शन करने के बाद। जब मैं अपने स्कूल में गया, वहाँ पर जाके मैंने बच्चों से बात करी, जिनको मैंने हल्की सी करियर काउंसलिंग कह सकते हैं, या उनको थोड़ा सा डाउट सोल्व किए उनके, कि अगर वो अपना फील्ड जो है वो आईटी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। बेसिकली जैसे मैं एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ, तो उन्होंने को मैंने इस तरीके से गाइड किया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब मैंने वहाँ बोला कि आप लिंक्डइन पे आइए, जब मैंने उनको वहाँ बोला आप लिंक्डइन पे आइए, तो उन्होंने कहा कि भैया लिंक्डइन ये क्या होता है। तो मैं भी हैरान, मैंने कहा यार 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें लिंक्डइन नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम पे, मैं भी टू बी वेरी फ्रैंक अगर बात करूं। लेकिन अब हम एक ऐसे फेस में हैं जहाँ पे ये लिंक्डइन जो है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से रोल प्ले करने लग गया है कि अगर आपने स्कूल ख़त्म ही हुआ, आप कॉलेज में भी एंट्री आपकी हो गई है ना, आप लिंक्डइन पर आ जाइए। अब लिंक्डइन से पहले मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनको वहाँ भी बताई थी, जब मैंने उनको गाइड किया था अपने एंड से जितना मैं कर पाया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि आजकल बच्चों का फेस बुक पर नहीं, फेसबुक पर ध्यान रहता है। बच्चे कहते हैं कि फेसबुक फेसबुक तो सर ठीक है भी आपने जो बताया, लेकिन आपने फेसबुक ही क्यों बताया। मैंने कहा मेरा रीज़न बहुत क्लियर है, फेसबुक का मतलब है कि आप जिनको जानते हो, वो भी एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट है एक तरीके की, जहाँ डिफरेंट लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे से वो किसी को फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। फिर मैंने उनको लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा बताया। तो मैंने उनको लिंक्डइन में क्या क्या बताया, मैं आज की वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, और अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन की मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उससे क्या क्या आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी, उसको मैंने काफ़ी पॉइंट्स उसमें ऐड कर रखे हैं छोटे छोटे, जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं मेरी प्रोफाइल को थोड़ा सा अलग करने में। यहाँ अलग करने का मतलब यह है कि थोड़ा क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है। अब लिंक्डइन को समझने से पहले ये पता करते हैं कि लिंक्डइन है क्या। लिंक्डइन अगर है क्या, तो लिंक्डइन से फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि तभी तो ये ट्रेंड में है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिंक्डइन को सिंपल या साधारण भाषा में या लेमेंस टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं, तो लिंक्डइन का मतलब ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो इस पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी एमसीए लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से की थी, तो मेरे बहुत सारे एलुमनाइज थे। तो अब मुझे जॉब के रिगार्डिंग जो प्लेसमेंट थी, तो मुझे हेल्प तो चाहिए थी, मेंटोरशिप चाहिए थी। तो मैंने क्या किया कि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया और वहाँ पर जाके उन लोगों को सर्च किया जो मेरे एलुमनाइज थे, उनके साथ में कनेक्ट हुआ। यहाँ फेसबुक और लिंक्डइन में एक फ़र्क है, फेसबुक में रिक्वेस्ट भेज देते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, यहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है, यहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है कि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो कनेक्शंस वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वाइडली यूज़ करने को मिलेगा कि मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, मुझे अब लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजना, दिस इज माय आईडी। तो कनेक्शंस वर्ड का ध्यान रखना है सभी को, फ्रेशर्स को, कि कनेक्शंस वर्ड यूज होता है। यहाँ ये नहीं होता भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा पक्का पहले ही रहना पड़ेगा। अब लिंक्डइन तो चलो समझ आ गया कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या ये यहीं तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, ये तो जस्ट इसका एक फीचर है। बट कोई भी चीज़ स्पेशल के होती है जब उसमें फीचर नहीं होते, फीचर्स होते हैं बहुत सारे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लिंक्डइन पे अगर आप आते हैं, आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। या ब्रांड बनाने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्टअप है, जैसे स्टार्टअप कर रहे हैं आप, उसका फाउंडर है, आपने अपने स्टार्टअप के बारे में सब बताया, अपनी प्रोफाइल अपडेट की, सब कुछ की, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, आप अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें पर्सनल ब्रांडिंग की कैटेगरी में आती है।
अब ये आता है कि लिंक्डइन जॉब सर्चिंग एंड पोस्टिंग किस तरीके से करता है। यहाँ जॉब सर्चिंग का मतलब वो हो गया पर्सन जो जॉब देख रहा है, पोस्टिंग जो एचआर रिक्रूटर्स हमारे जो होते हैं वो अपनी पोस्टिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनपे कनेक्ट होके आपस में बातचीत करके मेल करके अपना रिज्यूमे या जो भी तरीका वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जॉब सर्चिंग के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो मैंने अपना ये जॉब सर्च को पोस्ट कर दिया। अब पोस्टिंग में यहाँ पे मेरा मतलब अपना जॉब सीकर का तो मैंने पोस्ट कर दिया दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, प्लीज हेल्प मी आउट, और इफ यू हैव एनी रेफरेंस दिस इज माई रिज्यूमे, दिस इज माई, मैंने कुछ इस तरीके का एक पोस्ट बना के कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एचआरस जो रिक्रूटर्स होते हैं जो जिनका काम ही मेनली ये होता है कि अच्छे टैलेंट को ढूंढना, सर्च करना, तो वो भी क्या करते हैं आपकी आईडीज को देखते हैं कभी कभी, वो भी अपनी कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है सेल्स फोर्स टेस्टिंग गाय और मैं वहाँ का एचआर हूँ और वहाँ पे मैंने लिखा कि सेल्स फोर्स टेस्टिंग गाय इज लुकिंग फॉर अ फ्रेशर क्यूए इंजीनियर, तो मैंने एक पोस्ट डाल दी। बहुत सारे लोग जो जॉब सर्च कर रहे होंगे वो वहाँ पे आ सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं और जो ईमेल आईडी मैंने मेंशन की होगी वहाँ पे उसको मेल कर सकते हैं। जो जॉब सर्चिंग एंड पोस्टिंग कितनी बड़ी चीज़ ये एक लिंक्डइन सोल्व कर रहा है, आप इसको देख रहे हैं, ये चीजें होती हैं। कनेक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कनेक्शन रिक्वेस्ट करना, किसी के से कनेक्ट होना, कनेक्शंस रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा। जब आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं तो आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज होती है। नेटवर्किंग इंक्रीज का मतलब यहाँ पे सो कॉल्ड आपकी वो नेटवर्किंग नहीं है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो चीज़ वाली नेट, इसको पॉजिटिव वे में समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीनियर हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक पेज चलाता हूँ जिसका नाम है मीक टेस्टिंग इजी, वहां पर उसके मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं। 1000 फॉलोअर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ मैं कुछ भी उस पर डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, उसका एजेंडा ही पेज का यही है कि उस पर डेली जॉब पोस्ट करना और फ्रेशर्स को हेल्प करना, तो वहां से क्या होता है कि जैसे ही मैं जॉब कोई पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, बहुत सारे लोग जो उस पर्टिकुलर चीज में जॉब ढूंढ रहे हैं उसको लाइक करते हैं और अपना कमेंट भी करते हैं, और कभी कभी क्या बहुत बार ही ऐसा होता है कि उनको जॉब मिलती भी है और इसके लिए बहुत मेरे को मैसेजेस भी आते हैं कि थैंक यू सो मच विद द हेल्प ऑफ दिस मेक टेस्टिंग इजी पेज हमें ये चीज मिली। तो यहाँ से नेटवर्किंग बढ़ती है। यहाँ नेटवर्किंग में और भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी में कोई रेफरल है तो मैं किसी को रेफर कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें रेफरल हो सकती हैं। और कंटेंट क्रिएशन लिंक्डइन पे आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक ट्रेंड है। यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन मतलब बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनके व्यूज़ भी इतने हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या कॉन्टेंट क्रिएटर हैं लिंक्डइन पे जिनकी जिनके फॉलोअर्स ही मिलियंस में हैं, तो लिंक्डइन इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिंक्डइन में क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। अब मैं उन खासियतों को, उन चीजों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो प्लीज आप इसको देखिए, और इनको देखने से पहले मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो मैं चीजें कर रहा हूँ वीडियो देखने के साथ साथ या वीडियो को देखने के बिल्कुल बाद, आप अपना लिंक्डइन अकाउंट जरूर क्रिएट करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपको एज प्रोवाइड करेगा। क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को या बच्चों को, फ्रेशर्स को, कि यार लिंक्डइन है क्या। लिंक्डइन पे एक बार आइए, आपको उसकी ताकत तब पता चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा सा अपने आप को हटा देते हैं ताकि यहाँ पे आते हैं, देखिए ये मेरी प्रोफाइल है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा दूर नहीं जाते, डीपी, भाई तेरी डीपी बहुत अच्छी है व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया लग रही है, कहाँ घूम के है। यहाँ पर डीपी का मतलब है कि आपका जो भी प्रोफाइल लगाओगे, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए जो प्रोफेशनल लगे, तो आप यहाँ पे अपने कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। कोई भी का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब पार्टी शार्टी में गए वो कर दी, यहाँ आप थोड़ी सी बिट प्रोफेशनल लगनी चाहिए। एंड आज के टाइम पे ट्रेंड बदल चुका है तो ये देखा जाता है स्किल्स की वैल्यू है। आप प्रोफाइल पिक लगाइए बट दिखने में वो ठीक हो, स्माइल होना जरूरी है। विदाउट स्माइल आप नहीं कुछ कर सकते यार, क्योंकि स्माइल जो होगी वो आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगी, तो ये होनी चाहिए। ये आप उसका बैकग्राउंड पिक्चर ले सकते हैं, जैसे मेरी ब्लॉगिंग का, मैंने एक वेबसाइट है मेरी, तो मैं वहाँ ब्लॉग्स करता हूँ तो मैंने वहाँ का कर दिया। इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट ये जो आपकी डीपी है ये मैटर्स बहुत करती है। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे अब मेरा यहाँ पे नाम है, मेरा नाम है गंधर्व मदान, मैंने यहाँ पंजाबी में भी लिख दिया, यहाँ आप नहीं भी लिखेंगे पंजाबी में कुछ नहीं, बट ये मैंने थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा अबाउट है कि आप करते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं मेक टेस्टिंग इजी का फाउंडर हूँ, सेल्स फोर्स में मैं टेस्टिंग करता हूँ, मैं कीवे इंजीनियर हूँ,
LBSM का मतलब यहाँ पे यह है कि मैंने अपना जो MCA किया है वो LBSM से किया है, BVIMR से मैंने अपना जो किया हुआ है वो BCA किया हुआ है, MCA मैंने पास आउट हूँ, मैं मेंबर है TTN कम्युनिटी हूँ। मैं जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, और मैं वैसे ही सोशली बहुत पर्सन हूँ कि मेरे को जुड़ना अच्छा लगता है सबसे, और सीखना अच्छा लगता है मेरे को कि मैं अपना पॉइंट्स भी अगर किसी को एक्सप्रेस करूँ तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है जो। और मेरा एजेंडा आपको पता ही है क्या है, कि मेरे को कॉलेज हेल्प फ्रेशर्स को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं अपना मैक टेस्टिंग इजी पे बहुत सारे वो भी डालता हूँ, जॉब्स भी डालता हूँ। और आपको ज़्यादा कुछ मेरे को बताने की शायद इसमें ज़रूरत ही नहीं है, कि जो मेरा यूट्यूब है का चैनल बनाने का भी एजेंडा यही है कि मैं कम से कम बहुतों की तो नहीं हेल्प कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्प जरूर कर दूँ जो को जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें हल्का सा भी कुछ कैलिबर है बट उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो चीज़ मैं उनको कर सकूँ। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, जिसमें मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फो, मेरी प्रोफाइल होगी, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरी ईमेल आईडी, मेरा बर्थ डेट, तो ये सब आप अपडेट करेंगे। यहाँ पे मेरी करंट कंपनी जैसे शिप रॉकेट है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स दिखा रहा है, मेरे कनेक्शंस दिखा रहा है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में रहता हूँ, तो ये चीज़ आ गई है। ये एनालिटिक्स होता है, जैसे ही आप उन कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी है, जो मैंने करंट पोस्ट डाला है उसमें कितने व्यूज आए हैं, इस हफ्ते में करंट मेरे को कितने लोगों ने सर्च किया है, तो 118 सर्च अपेयरेंस मेरी हुई है। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे फीचर, यहाँ पे फीचर का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोस्ट डाला तो उसको आपने फीचर किस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी परसों की ही बात है, डे बिफोर यस्टरडे, कि मेरा एपेक्स ओवर्स नाम की एक वेबसाइट है जो सेल्सफोर्स में कंटेंट क्रिएट करती है, ब्लॉगिंग के लिए करती है, तो वहाँ पे मेरा एक टेस्टिंग इन सेल्सफोर्स नाम से मेरा उन्होंने ब्लॉग को सिलेक्ट किया और उनको पब्लिश किया, तो मैंने उसको फीचर में इनपुट कर दिया। उससे पहले मैं मेंटरशिप करने के लिए मुझे मेरे स्कूल में जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, मुझे वहाँ इन्वाइट किया गया, वहाँ पर जाके मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया, और उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, तो मैंने उसके बारे में पोस्ट करके उसको फ्यूचर में कर दिया। इसके अलावा मैंने पॉडकास्टिंग की है अपने उन एलुमनाइज के साथ, उन कनेक्शंस के साथ जिन्होंने बहुत सारा, जिनको नॉलेज है अपने इंडस्ट्री का, वो किस तरीके से चीज़ों में गाइड कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग पोस्टेड यहाँ पे हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी एक्टिविटीज शो होती हैं कि मैंने किसको, कौन सी एक्टिविटी में, कौन से पोस्ट को लाइक किया, क्या मैंने शेयर किया, क्या मैंने कमेंट किया, ये सब चीज़ें मेरी यहाँ से हो सकती हैं। अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो आप स्टार्टअप पोस्ट से कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत अबाउट है, देखिए अबाउट के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि देखो मैंने ये जो अबाउट है, मैंने बहुत जगह से देख के रिफाइन करके अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपको भी यही करना है। आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में अबाउट लिख दूंगा, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अबाउट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप है क्या, अपने बारे में बताइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेंगी। तो अबाउट में आप लिखिए कि मैं जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा टोटल एक्सपीरियंस ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, मेरे को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, करंटली मेरी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये है, मेरे को रिसर्च करना अच्छा लगता है, मैं हाईली पैशनेट टॉवर्ड्स टेस्टिंग हूँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो अगर आपकी कोई भी रिक्रूटर अगर आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो वो कह सकते हैं कि यस, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। बिकॉज आपके पास जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने 15-20 लाइनें लिख दी और आपसे कोई पूछे तो 2 लाइनें भी ना बता पाओ, तो वो मत करना। इसलिए लिंक्डइन में ऐसा नहीं होता कि किसी को भी रिक्वेस्ट भेज दिया, कनेक्शन रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट अ फेसबुक कि अच्छा म्यूचुअल में आ रहा, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, नहीं, यहाँ पर आपको किसी के साथ कॉर्पोरेट, यहाँ पे सब कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार ये तो मेरे को मिला था मैं इसको भेज देना, यहाँ पर भेजने का भी तरीका होता है एक तरीके से। अच्छा आप कर रहे हो, आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप उसको मैसेज भेज सकते हो कि वाई मैं आपके साथ कनेक्ट क्यों होना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एचआर हूँ और आप मान लीजिए अपने आप को एक टेस्टर कंसिडर करें, तो मैं एक एचआर हूँ, तो मैंने एचआर होने के नाते आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, मैं टेस्टिंग इंजीनियर इस समय हायर कर रहा हूँ और आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैच हो रही है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी और साथ में नोट भेज दिया कि जैसे ही आप मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा कि आई एम, माई नेम इज दिस 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 एंड आई एम हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो सो दैट यू नो वी कैन कंटिन्यू विद दिस सेगमेंट। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो ये चीजें भी होती हैं।
दूसरा अपना एक्सपीरियंस लिखिए पूरा, हर चीज़ अप टू डेट लिखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस समय किवे इंजीनियर हूँ शिप्रॉकेट में, मैंने शिप्रॉकेट के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उसमें मैं क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ वो लिख दिया, क्या क्या मैंने उधर सर्टिफिकेशन को किया है वो चीज़ें लिख दी। इसके बाद मेरा वॉलेंटियरिंग एक्सपीरियंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं मेंबर हूँ लियो क्लब का, अगस्त 2021 से हमारा एजेंडा क्या है ये चीज़ें लिख दी। TTN का मैं मेंबर हूँ, मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं इससे पहले वाली कंपनी में मैं क्या करता था, तो मैंने वो चीज़ें लिख दी हैं अपना। जब मैं फ्रेशर था, इंटर्न था, ट्रेनिंग था, उसमें मैंने क्या क्या किया, और जब मैं पूरा फुल टाइम इंजीनियर बन गया कीवे इंजीनियर, तब मैंने क्या क्या किया। इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो आप मेरे देखेंगे तो 11 एक्सपीरियंस होंगे टोटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैंने JKT में ट्रेनिंग, जब मैं अपने कॉलेज से प्लेस हुआ तब मैं वहाँ पे था, और बिफोर प्लेसमेंट मैंने बागवार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड से इंटर्न किया था। अब ये चीज़ जैसे इंटर्न था, अगर आप फ्रेशर हो, आप इंटर्नशिप आपने स्टार्ट कर दी, अपडेट कर दो भैया, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में थे, जैसे मैं अपने कॉलेज में था तो वहाँ पे क्या था कि मैं हमारे कॉलेज में IT क्लब हुआ करता था, जिसका नाम सिनर्जी था, तो वहाँ पर मैं जॉइंट कोऑर्डिनेटर था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी क्विजेज को परफॉर्म किया था और बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स को जो हमारे बाहर के एलुमनाइज आते थे उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको एग्जीक्यूट करवाया था यहाँ पे। ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैं मेम्बर था संकल्प सोसाइटी का, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। अब मैं आपको बैक करके बताता हूँ और क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ये तो मैंने आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताया। यहाँ पर मैं अपना एजुकेशन लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने LBSM से MCA किया, तो मैंने कितने ग्रेड मेरा आया, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी। भारतीय विद्यापीठ से मैंने BCA किया है, तो मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या मेरा ग्रेड आया था। मैं जैसे ओ लेवल एंड ए लेवल सर्टिफाइड हूँ, तो वो क्या होता है, उसमें कितना ग्रेड आया, ये चीज़ होती है। अपने स्कूलिंग भी लिख सकते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस की बात होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ये चीज़ें तभी होती हैं। आप ये सोचे कि एकदम से हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जैसे ब्लॉगर ऑफ द मंथ जून में एक QA टेक टॉक कम्युनिटी है, वहाँ से मुझे ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगर ऑफ द मंथ मिला था, जहाँ मैंने 3 ब्लॉग्स लिखे थे और मेरे तीनों के तीनों ने उन्होंने पब्लिश किए थे। तो ये चीज़ होगी। शिप रॉकेट से मुझे क्या क्या सर्टिफिकेशन मिले, मैंने वो लिख दिया। यहाँ मैं अपना वॉलेंटियरिंग एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ कि जैसे मैं मेक टेस्टिंग इजीम का वॉलेंटियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, और मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, उस पेज का एजेंडा क्या है, उसको चलाने का मुहिम का एजेंडा क्या है, ये सब चीज़ें। मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर था, मैं क्वारा पे भी जैसे राइट करता हूँ, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद स्किल्स आती हैं कि आपकी स्किल्स क्या है। स्किल्स बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे को QA इंजीनियर के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको डेटाबेसिस में स्ट्रॉन्ग थोड़ा बहुत होना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब अभी इनिशियल लेवल में मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो आप वो लिख सकती हैं। थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो इस चीज़ को ऐसा नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा आ गया। एकदम से किसी को कुछ नहीं आता, चीज़ें टाइम लेती हैं, बट टाइम लेने के बाद एक्सपीरियंस से ही सब कुछ सीखा जा सकता है। ये चीज़ें हो गई। आप इसमें कम से कम 30 to 35 स्किल्स का इसमें एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें होती हैं, बट इनिशियल लेवल पे जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो वो चीज़ें लिखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। यहाँ आप टेक स्किल कुछ करेंगे तो यहाँ से लिंक्डइन आपको फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज के अगर आपने सेलेक्ट किया, तो आपको ये सी लैंग्वेज की तरह आपको बता देगा और आपके आगे टिक मार्क लगा देगा कि आपने वेरीफाइड हो गए हो यहाँ से। तो ये चीज़ होती है। रिकमेंडेशंस यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे हम बोलते हैं कि इंडोर्स कर दो यार मेरे को, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जैसे मेरे को बहुत सारी इंडोर्समेंट रिसीव्स हुई हैं मेरे एक्स कलीग से जिनके साथ मैं काम करता था, और मेरे लीड से, और जिनके साथ मैं वैसे ही नॉर्मल लिंक्डइन पे कनेक्ट हूँ, उनके थ्रू अगर मैंने उनसे कुछ लर्निंग्स हुई हैं तो इस उन्होंने मेरे को इंडोर्स किया है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है आप लिंक्डइन पे किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने पब्लिशर भी, आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिशिंग, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का जैसे आर्टिकल पब्लिश होता है, तो आप वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग पब्लिश हुआ वो भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी डेट भी आती है कि ब्लॉग की वैलिडिटी कब तक है, जो भी पब्लिशर हुआ है, पब्लिशिंग हुई है, वो उनकी वैलिडिटी कब तक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका एक अलग से आपका बनता है पब्लिशर पब्लिकेशंस के नाम से एक टैब, तो वो चीज़ को देख सकते हो। जो जो आपने कोर्स किए हुए हैं वो लिख सकते हो। प्रोजेक्ट्स, यहाँ प्रोजेक्ट फ्रेशर लेवल पे बहुत बढ़िया है। आप प्लीज उन्हीं प्रोजेक्ट को मेंशन करिए, बेशक 2 प्रोजेक्ट मेंशन करिए, लेकिन उनमें के जिनमें आपकी कमांड अच्छी है, जिनमें आपने अपना प्रोएक्टिवली काम किया है। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने तो 10 प्रोजेक्ट पे काम किए, उन 10 प्रोजेक्ट का कोई 0 यूज होगा जब आपको पता ही नहीं होगा। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें होता क्या है, तो 2 लिखिए, लेकिन 2 उतना लिखे जिसमें आपने more than 100% दिया है, जिसमें आपने आपको पता है कि अगर आपने जो भी रोल उसमें प्ले किया है, तो उसमें कोई भी पर्सन आपसे पूछे कि ये चीज होती है तो ये क्यों होती है, इसका मुझे चीज बताओ, ये चीज होती है। प्रोजेक्ट्स में ये चीजें होती हैं।
तो इसके अलावा अगर आप इसमें भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस प्रोजेक्ट्स में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ क्या होता है। एक टीम है, एक टीम में चार लोग हैं, चारों लोगों में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि एक ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया, फ्रंट एंड किया, बैक एंड किया, एक ने टेस्टिंग की, तो आप अदर क्रिएटर में उन तीन का लिख सकते हैं और उन तीन में से जो एक बचेगा बाकी तीन का लिख सकता है, तो अदर क्रिएटर्स में आप उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। एक इसमें एक और चीज़ आती है लिंक्डइन में, ओनर्स एंड अवार्ड्स। आपको फॉर एग्जांपल जैसे मुझे, मैं अपने कॉलेज टाइम पे 2 बार इनोटेक का विनर रहा था, जो टेक्निकल इवेंट होता है हर साल, उसमें मैं विनर रहा था, मैंने वो चीज़ लिख दी है। इसके अलावा इसमें आप और क्या क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट स्कोर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कि ISTQB के लिए सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई किया था, तो वहाँ पे आपके इतने रैंक आए, इतना नंबर आए, वो चीज़ आप लिख सकते हैं इधर में टेस्ट स्कोर में। और अपनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, लैंग्वेज का एक सेक्शन होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कमांड है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, ये कमांड लिख सकते हैं। आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक एसोसिएट थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं के क्लाउड से एसोसिएट था 1 साल तक, उससे पहले मैं फील्ड किंग में था, उससे पहले मैंने अपनी इंटर्नशिप जहाँ से की थी वो चीज़ थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं यहाँ इंटरेस्ट में, कंपनीज, इन्फ्लुएंसर, ग्रुप्स और स्कूल्स वाली चीज़ें आती हैं। ये तो जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको जो चीज़ पसंद आती है आप उसको लाइक या फॉलो करेंगे, तो आपको उनकी अपनी न्यूज़ फीड में चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो ये देखो कि इस लिंक्डइन में कम से कम मैंने आपको 10 से 15 चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ को ध्यान रखना। अब लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए। आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको अपने ध्यान से सुनने, कुछ भी पोस्ट करना और कुछ ढंग का पोस्ट करने में बहुत फर्क है। आप क्वालिटी पोस्ट करें, क्वालिटी वाली चीज़ें लाइक करें। आज के टाइम में मैं बहुत देख रहा हूँ कि लिंक्डइन जो है वो फेसबुक बनता जा रहा है। लोग कुछ भी फोटो डाल रहे हैं, एंजॉयमेंट करने गए, घूमने गए, ये गए, ये वो सब में मैं आपको यही कहूँगा कि फ्रेशर लेवल पे आप वो सब चीज़ें ना करें। उसके लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, बट लिंक्डइन को एक कॉरपोरेट की वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए जितना प्रोफेशनलिज्म आप दिखाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में मैं अपनी लिंक्डइन आईडी का जो URL है वो आज लिख दूंगा अपनी तरफ से। आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आप मुझे लिंक्डइन पे ही डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट विच इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ।